एंड जेंटलमैन, न्यूज फ्लैश, दे आर मेड फॉर ईच अदर। कोई मेड फॉर ईच अदर नहीं है, दिस इज मेड फॉर ईच अदर, बनाने की नाकाम कोशिश है इसकी। वैसे सब जानते हैं कि तुम मुझे नापसंद करती हो, इसी वजह से तुमने वो लाखों दुआएं मांगी होगी कि मेरी शादी ना हो प्रीता जी से। ओके, चेहरे के अंदर छिपकर कोई शादी करता है, व्हाट अबाउट सोसाइटी, समाज? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस धोखे की शादी को, धोखे वाली नकली शादी है ये, मैं नहीं मानता इस शादी को, मैं अभी भी बोलता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, अगर करण के साथ मिलता है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैं भी इस शादी को नहीं मानती, इनफैक्ट यहां पर कोई भी नहीं मानता। हाँ, कोई नहीं मानता इस शादी को, यही फुल एंड फाइनल है कि ये शादी नकली है, धोखे वाली शादी है। इस शादी को यहां मौजूद कोई भी मेहमान नहीं मानता, ना कोई सोसाइटी, ना कोई समाज, कोई नहीं मानता इस शादी को। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब ये ठीक है, लेकिन जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक ये नींद में रहेंगी, और जैसे ही इंजेक्शन का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ये होश में आ जाएंगी, उसके बाद आप लोगों को ही इनका ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे। खास ध्यान यह रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन ना हो, इस उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दादी को हम बाकी सब स्ट्रेस से तो बचा लेंगे, लेकिन प्रीता से कैसे बचाएंगे? दादी की जो आज हालत है, प्रीता की वजह से नहीं, बात मेरी मॉम की हेल्थ की है, किसी को भी मॉम की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, फिर चाहे वो प्रीता हो या अरोरा फैमिली का कोई भी मेंबर, सबसे पहले उन्हें मुझसे डील करनी होगी। सुन लिया आप सब लोगों ने, ये शादी वैलिड ही नहीं है, इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैं क्या, यहां मौजूद मेहमानों में से कोई भी नहीं मानता इस शादी को। प्रीता जी, आप बता प्रीता, तुम इस शादी को मानती हो या नहीं? साथ फेरे लिया हमने एक साथ, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ तुमने, साथ फेरे लिए हमने अग्नि को साक्षी मान के, सारे नीति नियमों से, सारे रीति रिवाज से शादी हुई है, वो शादी की है जो दुनिया कहती की शादी है। सबके सामने तुम्हें मैंने अपनी पत्नी बनाया, अपनी धर्म पत्नी। बोलो, तुम इस शादी को वैलिड मानती हो या नहीं? सात कसम लिए एक दूसरे के साथ हमने कि एक दूसरे के साथ जिंदगी भर निभाएंगे, एक दूसरे के परिवार को अपना समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे। पता, पहले मुझे नहीं पता था प्रीता, लेकिन अब पता है। याद है उस दिन जब मैं जेल में पृथ्वी को मार रहा था, गलती से तुम्हें धक्का लग गया था, मेरा हाथ लग गया था, मैं सब कुछ छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आ गया था, कितना परेशान हो गया था। पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। वो प्यार था, 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 वो प्यार था। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है, क्यों होती है पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। अब प्यार था, अब समझा कि वो सारे लड़ाई झगड़े, कितनी लड़ाई करता था मैं तुम्हारे साथ, लड़ाई में पता नहीं क्या कुछ कह जाता था, क्या कुछ कर जाता था, तब नहीं पता था कि जो कुछ कह रहा हूं उसके पीछे मेरा प्यार है। ये
ये लड़ाई, ये झगड़े, ये सब तुमसे इसलिए करता था क्योंकि तुमसे प्यार करता था। वो कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है। वो मेरा प्यार था, मेरा प्यार था। तेरी कालियों कीड़ों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। अरे बजाओ तालियां। इसलिए नहीं क्योंकि इसने कोई दिल से बोला, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने फिल्मी डायलॉग मारा। अपने ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर और अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर, समझा? तू बंद कर, तू बंद कर। हम दोनों के बीच में आना बंद कर। हम दोनों के बीच में तू आया, तू आया। धोखे से ज्यादा मुंह की है के बीच में तू की धोखे से नहीं। बस करो, बस करो ये झगड़ा। अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब इस झगड़े का क्या फायदा? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि करण और प्रीता को साथ देखना, तो कुछ लोग यही चाहते हैं कि पृथ्वी और प्रीता हो। अरे दादू, वोटिंग थोड़ी ना चल रही है कि कुछ लोग इस सरकार को चुनेंगे, कुछ लोग उस सरकार को चुनेंगे। इलेक्शन थोड़ी ना है, शादी है। अगर पूछना ही है तो दूल्हा दुल्हन से पूछिए ना। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए तो इनकी शादी हुई है। अरे लेकिन शादी तो धोखे से ही हुई है ना। धोखे से नहीं, मां धोखे से की इसने शादी। लेकिन शादी तो हुई है, शादी तो हुई है, शादी तो हुई है, शादी तो हुई है, शादी तो हुई है। तारण और प्रीता की शादी हो गई। कहा आपने आंटी जी, शादी हो गई? आंटी जी आप समझ क्यों नहीं रही है? बार बार मैं कह रहा हूं धोखे से की हुई शादी शादी नहीं होती। कितनी बार बोल रहा हूं मैं आंटी जी, आप ही बताइए। अगर कोई भी धोखेबाज लड़का आपकी बेटी के साथ शादी कर लेगा तो आप अपनी बेटी को उसके साथ भेज देंगे क्या? ये कोई भी लड़का नहीं है पृथ्वी, ये करण है। अच्छे से जानती हूं मैं, अच्छे से पहचानती हूं। मानती हूँ कि कुछ दिनों से हमारे परिवारों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ इसे। अब मैं समझ गई। क्या समझ गए हो? यही कि जानकी ठीक कहती थी, आप समझ गए, यही काफी है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मजाक लगा के रखा है क्या? हम कोई गेम खेल रहे हैं यहाँ पर? मेरी जिंदगी का सवाल है। आज मेरी शादी प्रीता जी के साथ तय हुई थी, उनके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मैं समझ गई, तू समझ गई, कोई गेम खेल रहे हैं क्या हम यहाँ पर? एक काम करते हैं पृथ्वी, हम पंडित जी से ही पूछ लेते हैं ना कि ये शादी जो हुई है वो सच में शादी है भी कि नहीं। अरे सर, आप पंडित जी से क्या पूछेंगे? पूछना है तो प्रीता से पूछना, जिंदगी तो उसे गुजारनी है, पंडित जी के कहने से थोड़ी गुजारेगी। बीजी मैं जानती हूँ कि भगवान भी यही चाहते हैं कि करण और प्रीता की जोड़ी बन जाए। मैं समझ गई हूँ कि इन दोनों की कुंडलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनके भाग्य आपस में जुड़ गए। मैं जानती हूँ कि भगवान ने इस जोड़ी को आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं पंडित जी से पूछ लूँ, ताकि वो इस पर मोहर लगा दे कि ये शादी मान्य। आप ही बताइए पंडित जी, क्या ये शादी मान्य?
ये सारे विधि विधान सारे देवी देवताओं के वरदान से अग्नि की साक्षी में सात फेरे सात वचन मंगल सूत्र और सिंदूर से शादी हुई है। मतलब करण प्रीता की शादी हुई है। रसम कसम धरम करम से अब ये दोनों पति पत्नी हैं। मेरी बेटी की आंखों में जिस खुशी की चमक मुझे देखनी थी वो चमक मुझे अब दिख रही है। उसने एक बार भी इस शादी पे कोई एतराज नहीं किया का मतलब है कि वो खुद ये शादी चाहती है। करण को ही अपने दूल्हे के रूप में देखना चाहती है। प्रेशर में आके बोल रहा है तू पंडित। मैं जानता हूँ आप वही बोल रहे हो जो ये सब लोग आपसे बुलवाना चाहते हैं, है ना? यहाँ पे कोई गेम चल रही है क्या? मेजोरिटी गेम? कौन जीता कौन हारा? मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानती हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं वो समझती हूँ। पंडित मैं अच्छे से जानता हूँ, जब मैंने तुझसे कहा था कि आओ ऊपर मेरी और प्रीता जी की रस्में फिर से शुरू करो उसी वक्त नहीं आ रहे थे ना, उसी वक्त समझ गया था कि दबाव है तुझ पर। तेरे कहने पे भी मैं नहीं मानूंगा इस शादी को। ये समझ में नहीं आ रहा प्रीति, सात फेरे हो चुके, करण ने प्रीता की मांग में कुमकुम भर दिया, उसके नाम का मंगल सूत्र उसके गले में है, अग्नि को साक्षी मान के दोनों पति पत्नी बन गए, तुम क्यों नहीं मानते? और बड़ों का आशीर्वाद भी तो हो गया, सबके दिल खुश हैं, दो प्यार करने वाले दो अच्छे इंसान हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अब और हमें क्या चाहिए? कोई माने या ना माने कि शादी हुई है या नहीं, लेकिन शादी हुई है और विधि विधान से हुई है। हाँ, करण की शादी पीता से और पीता की शादी करण से। पीता अब करण की अर्धांगिनी हुई, जीवन संगनी हुई, ये दोनों एक दूसरे के कुंडली भाग्य है। वो क्या कहते हैं जानकी आंटी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। शादी तो हो गई, अब कोई माने या ना माने शादी तो हो गई। करण मुझे लगता है कि अब जब शादी हो गई तो आपके घर में फोन कर देना चाहिए, सबको बता देना चाहिए कि आपके और पिता की शादी हो गई, ताकि सब लोग लूथरा हाउस से आए, आप दोनों को आशीर्वाद दें और फिर हम खुशी खुशी प्रीता को विदा कर सकें। ये बुढ़िया कब से बेहोश पड़ी है, मैं यहां थोड़ी देर और बैठी रही ना तो मैं ही बेहोश हो जाऊंगी। बहुत जोर से नींद आ रही है, पता नहीं ये लूथरास की बारात इस बेहोश लाश के भज में क्यों बैठी है। ऐसे नहीं कि जाकर सो जाए, अरे डॉक्टर बोल के गई है ना कि ये बुढ़िया नींद में रहेगी, इंजेक्शन दिया है ना उसने। साइलेंट मूवी की तरह देख रहे हैं। आज का दिन मेरा बहुत ही खराब गया है, बहुत खराब। करण, मम्मी जी अब तबीयत कैसी है? करण कहाँ है? बुलाओ, मुझे बात करनी है। दादी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी करण को फोन करता हूँ। करण घर पे नहीं है? हाँ, पर आप चिंता मत करो, यहाँ पास में ही है, मैं उसको बुला रहा हूँ ना फोन करके अभी। मम्मी जी आप उठिए मत, लेटे रहिए। नहीं राखी पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मॉम अगर आप ठीक हैं तो करण को क्यों बुला रही हैं? वो अब तक घर नहीं आया, इसका मतलब ये है किसी काम में बिजी होगा ना, एक बार फ्री हो जाएगा घर आ जाएगा। ऋषभ करण को फोन मत लगा। नहीं पुत्र, फोन लगा, बहुत देर हो गई मैंने उसे देखा नहीं, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही अजीब सपना आया मुझे। सपना? कैसा सपना मॉम? वो तो मैं करण को ही बताऊंगी, फोन लगा उसे। अच्छा ठीक है, मैं अभी उसको फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? My God, ये सब के सब कितने मेलोड्रामेटिक है। करण को फोन करो, करण को बुलाओ, जैसे कि उसके अंदर बुढ़िया की जान बसती है।
अरे भटक रहा होगा कहीं किसी लड़की के साथ। सर आंटी मॉम को फोन कर रही है, कैसे रुकूं? एक काम करता हूँ, इस दाढ़ी वाले बकरे को भड़काता हूँ, भड़क के ये कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगा, फिर तो फोन होने से रहा। कोई फोन नहीं उठा रहा है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। पृथ्वी मल्होत्रा, अब तो यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है? मेरी और पिता की शादी हो चुकी, और अब जो कुछ भी मैटर है ना यहाँ पर, वो मेरी फैमिली, प्रीता की फैमिली डिस्कस करेंगे। तुझे यहाँ से गेट आउट। कौन सी फैमिली, कैसी फैमिली? यू नो व्हाट, आज तेरा परिवार तेरा साथ नहीं देगा बल्कि मेरा साथ देगा। जैसे मैं इस शादी को नहीं मानता, तेरा खुद का परिवार भी शादी को नहीं मानेगा। बस करिए पृथ्वी, आपने जितना बोलना था बोल लिया, जो करना था कर लिया, अब एक और शब्द नहीं। करण इस घर का दामाद है, और अपने दामाद की बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। दीजी, आंटी जी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जानता हूं कि मैंने गुस्से में आके ना जाने कैसे बिहेव किया, क्या कुछ नहीं बोल दिया। आई एम रियली सॉरी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे समझिए मुझ पर क्या बीत रही है। आज मेरी शादी तय हुई थी आपकी बेटी के साथ, धोखा हुआ है ना मेरे साथ, और धोखा किसने किया? किसने? अरे ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ भी खेल खेल रहा है। आंटी जी आई एम डैम श्योर इसने ना पंडित जी को पैसे खिलाए हैं, इसीलिए पंडित वही भाषा बोल रहा है जो ये उनसे बुलवाना चाहता है, मेरा यकीन मानिए आंटी जी। आंटी जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप एक सेकंड। पिताजी, पिताजी आप चुप क्यों? पिताजी कुछ तो बोलिए। पिताजी मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जानती है ना। पिताजी हमारी शादी तय हुई थी आज, हम साथ फेरे लेने वाले थे, यही तय हुआ था ना, आपकी और मेरी जोड़ी थी। पिताजी आप बताइए ना सबको कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको भी नहीं पता था कि ये आपसे शादी कर रहा है? नहीं पता था ना। पिताजी आप एक बार बोल दीजिए कि आपको मुझसे शादी करनी है, फिर देखिए आप हम किसी की नहीं सुनेंगे, आप और मैं इसी मंडप में शादी करेंगे। प्रीता जी मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपको पलकों पे बिठा के रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा, कभी ऐसे आंसू नहीं आने दूंगा आपकी आंखों में, ट्रस्ट मी। प्रीता जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं, कुछ बोलिए तो सही। पृथ्वी जी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं जानती हूं कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन अब मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं आपकी प्रीता जी नहीं रही, अब से मैं प्रीता करण लूथरा। लो जी अब दुल्हन ने भी कह दिया कि शादी हुई, ये करण की पत्नी हुई, फिर तू क्यों बेकार की बातों में अड़ा हुआ है? चुप। अरे तू चुप कर, प्रीता ने बिना बोले बता दिया कि वो करण के साथ खड़ी है, इसने मान लिया है कि वो करण की पत्नी है, और पंडित जी ने भी मान लिया है कि करण ही वर है, दूल्हा दुल्हन दोनों ने खुद को जोड़ी मान लिया है, पंडित जी ने शादी पर शादी की मोर लगा दी है। दूल्हा दुल्हन राजी तू क्या करेगा पृथ्वी पाजी, ओए रग में पाक मत डाल, करण ने कहा है ना कि दफा हो जाए यहाँ से, खुशियां मनाने दे अब हमको। चुप, चुप। यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? प्रीता जी के साथ मेरी शादी तय हुई थी, प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ मेरी होंगी, आज मैं ही प्रीता जी को यहाँ से ले जाऊंगा। चलिए प्रीता जी।
अगर मेरी पत्नी को तुम्हारा हाथ भी लगाया ना तो हाथ